हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोरा, योर टीचर, योर फ्रेंड। तो मेरे पास ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि हम इसका को कैसे प्रिपेयर करें, कैसा अच्छा स्कोर करें इसका। मैं तो मैंने आज आपके लिए इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इसका में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं आपके साथ में इसका की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करूंगी इसका के रिगार्डिंग। अगर आप इन टिप्स को और इन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे इसका में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको इसका को 2 times रिवाइज करना है, मतलब एक बार पूरा प्रिपेयर करने के बाद 2 times आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका एक थियरी सब्जेक्ट है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको रिटेन नहीं रहेगा, इसलिए एक बार पूरा प्रिपेयर करना है एंड 2 times रिवाइज करना है। अब आपको ये प्रिपेयर और रिवाइज कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक 1.5 month का प्लान बनाना है, ठीक है। उसमें आपको 8 के 8 chapters हैं वो पूरे कवर करने हैं। अब कवर कैसे करने हैं, ICAI का ये स्टडी मटेरियल है, ये इसका के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल है। इसके अलावा आपको कोई भी रेफरेंस बुक है वो रेफर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आप ये स्टडी मटेरियल ही करोगे। अब इस 1.5 month के अंदर कौन से चैप्टर को कितना टाइम अलॉट करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपको रीड कैसे करना है, तो जैसे आपने एक चैप्टर लिया इसका, अब इसके अंदर आपको 2 काम करना है। एक तो जब भी आप कोई चैप्टर रीड करते हो उसके साथ में आपको समरी नोट्स भी उसके प्रिपेयर करने हैं। समरी नोट्स में सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आपको लिखनी है, अंदर का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल भी नहीं लिखना। तो एक काम तो आपको करना है कि आपको समरी नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक आप जब भी इस बुक को रीड करते हो तो आपको इसकी एक एक लाइन रीड करनी है और उसको समझना है, रटना नहीं है, रटना सिर्फ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को है, अंदर का कंटेंट आपको समझना है। अब जो अंदर का कंटेंट है उसको शॉर्ट में यहाँ पे साइड में इसको नोट डाउन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे साइड के अंदर इस पैरा के अंदर जो भी कंटेंट है उसको साइड में पॉइंट्स के अंदर नोट डाउन किया है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे ये स्टिकी नोट है ये लगा सकते हो। जैसे मैंने स्टिकी नोट्स पे यहाँ पे देखो नोट्स बना के नोट किया हुआ है, इधर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम जब भी आप रीड कर रहे हो इसका को, तो आपको एक तो इसके समरी नोट्स बनाने हैं, प्लस आपको बुक के अंदर इस तरीके से अपनी बुक प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आप सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट करोगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की जो समरी बनाई थी आपने उसको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करना है और इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको वो चीज़ें रिटेन है। सबसे मेन बात होती है कॉन्फिडेंस रखना कि आपको चीज़ें रिटेन हो रही है, ठीक है। तो आपने जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट के पॉइंट्स है जो आपने समरी बनाई है वो रिवाइज करना है, ठीक है। देन आप जब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपको सेकंड चैप्टर को रिवाइज करना है। तो इस तरीके से पहले 1.5 month के अंदर आपको ये पूरा स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करना है साइड में ऐसे कंटेंट लिख करके, एंड समरी नोट्स बनाना है एंड उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्ट्रेटजी बनानी है 16 days की। अब इन 16 days में आप क्या करोगे, हर चैप्टर के लिए यहाँ पे आपको 2 days अलॉट करना है, तो टोटल 8 chapters के यहाँ पे 16 days हो गए। अब इन 16 days में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपने साइड में नोट डाउन किया है ये सब स्टिकी नोट्स वाला एंड जो भी आपने साइड में ये नोट डाउन किया है ये रीड करना है, एंड साथ में समरी नोट्स। तो समरी नोट्स और ये साइड वाला जो कंटेंट है ये आपको सेकंड टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हो तब ये सब है वो रीड करना है, ठीक है। और आपको देखना है कि आपको इसकी जो भी चीज़ें हैं वो रिकॉल हो रही है क्या। अगर नहीं हो रही तो आप वापस से लर्न कर लो, उसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ रिकॉल नहीं हो रहा तो आप वापस से उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। देन आपको 8 days की स्ट्रेटजी बनानी है। 8 days में हर एक चैप्टर को आपको 1 day अलॉट करना है, और इस 1 day में आपको अब ये मटेरियल है इसके हाथ नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ जो इस समरी के अंदर आप जो नोट्स बनाते हो इसको रिवाइज करना है, मतलब कि जो भी हेडिंग्स हैं और जो सब हेडिंग्स हैं वो रिवाइज करनी है। तो इस तरीके से आप पूरा इसका प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना, फर्स्ट रीडिंग में ये मॉड्यूल प्लस समरी नोट्स प्लस इस मॉड्यूल के जो भी कंटेंट है वो साइड में शॉर्ट में नोट करना है। सेकेंड रीडिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ समरी नोट्स और जो साइड में कंटेंट आपके नोट किया हुआ है वो लर्न करना है। एंड थर्ड जब आप उसको रिवाइज करते हो थर्ड टाइम, तो आपको 8 days की स्ट्रेटजी बना करके सिर्फ और सिर्फ समरी नोट्स रिवाइज करना है। अगर आप इतना कर लोगे तो श्योरली आपको एग्ज़ाम में सब कुछ याद आएगा,
सब कुछ आपके माइंड में रिटेन रहता है. जब आप उसको टू टाइम रिवाइज कर चुके हो तो आप श्योरली आपके माइंड में रिटेन है. जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको पक्का से वो याद आएगा. ये तो हुई स्ट्रेटजी की बात. अब इसका के रिगार्डिंग में आपके साथ में कुछ जनरल टिप्स हैं जो मैंने खुद पर भी अप्लाई करी थी, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. फर्स्ट तो अपना माइंड सेट चेंज करो. क्या होता है, हम इसका को बहुत टफ सब्जेक्ट समझने लगते हैं, हमें लगता है इसमें चीज़ें हैं वो रिटेन नहीं होगी. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 8 सब्जेक्ट में से सबसे छोटा सब्जेक्ट इसका है. और करना सिर्फ आपको इतना सा मटेरियल है, सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं. इन 8 चैप्टर के बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला. DT, IDT, costing बहुत लेंदी सब्जेक्ट है और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. लेकिन इसका मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बुक से क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना होगा. इसका बहुत ही ईजी है और स्कोरिंग भी है. अगर आप इसका में अच्छा स्कोर करते हो तो एग्रीगेट में आपको आसानी रहेगी. सेकेंड टिप आता है, आपको इसका डेली पढ़ना है. पढ़ना 2-3 घंटे है लेकिन डेली पढ़ना है. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप पूरे दिन इसका पढ़ते रहो, क्योंकि पूरे दिन पढ़ने से हमारा एफिशिएंसी लेवल उतना नहीं रहता. और इसके साथ ही जब हम 2-3 घंटा से एक्स्ट्रा अगर थियोरी पढ़ते हैं तो वो रिटेन भी नहीं रहती. तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिन के 2-3 घंटे निकाल करके डेली इसका पढ़ना है, ठीक है. एंड इसका को पढ़ना मॉर्निंग में. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि थ्योरी सब्जेक्ट को हमेशा मॉर्निंग में पढ़ो, क्योंकि आपने एक फ्रेज सुनी होगी, ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग. मतलब आपको जो सबसे हार्ड लगता है उसको आप मॉर्निंग में अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका पूरा दिन है वो अच्छा जाएगा. तो इसलिए इसका को सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में इसका पढ़ो. और जब आप मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ोगे तो पक्का आपको नींद आएगी. तो अगर आप वॉक करते करते पढ़ते हो तो आपको नींद नहीं आएगी, तो आप वॉक करते करते जो है इसका को लर्न कर सकते हो. इसके अलावा जो थ्योरी सब्जेक्ट होता है उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं थ्योरी को तो इधर उधर दिमाग जाता है. तो इसके लिए हमेशा जब भी आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसको बोल बोल के लर्न करो. जब आप उसको बोल बोल के लर्न करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन वही रहता है, ठीक है. नेक्स्ट टिप है समरी नोट्स. तो मैंने आपको पहले भी बोला था, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो आपको पक्का से उसके समरी नोट्स प्रिपेयर करने हैं. अगर आपसे खुद से प्रिपेयर नहीं होते तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने सारे समरी नोट्स मेरे शेयर किए हैं, आप उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हो. लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप खुद के समरी नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि जो खुद की लिखी हुई चीज़ें होती है उसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है. नहीं तो फिर आप मेरे जो समरी नोट्स हैं उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो. नेक्स्ट आता है कि जो भी 3 मंथ का मैंने आपको प्लान बताया, बेसिकली जो 1.5 मंथ प्लस 16 डेज प्लस 8 डेज का, तो आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो करो एंड आपके पक्का स्कोर अच्छा आएगा इसका में. तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.